दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ग्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न वॉक पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साल आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी, आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।